नांदेड़ जिला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 15 अगस्त यौम आज़ादी के ज़िमन में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। 15 अगस्त यौम आज़ादी के पेश नज़र कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला नांदेड़ की जानिब से शहर व ज़िले में मुख्तलिफ समाजी व सकाफती तकरीबात का इनेकाद अमल में आया। सुबह की अव्वलिन सातों में मजलिस के दफ्तर पर ज़िला सदर फिरोज लाला के हाथों परचम कुशाई अमल में आई। इसके बाद नांदेड़ ज़िला यूथ सदर एडवोकेट सैयद वाजिद की रहनुमाई में एक अजीमुशान एकता रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मजलिसी अहदेदारान व कारकुनान ने हाथों में तिरंगा लेकर शहर की गश्त लगाई। इसके अलावा खून अतिया कैंप, दवाखानों में फल व फ्रूट की तकसीम, स्कूल में तालीमी लवाजमात व दीगर कई प्रोग्राम दिन तमाम जारी रहे। फिरोज लाला ने इस खसूस में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मजलिस की हुब्बुल वतनी पर शक करने वालों को अपने गिरेबान में झांकने का मशवरा भी दिया। सियासी पार्टियां की एमआईएम देशद्रोही पार्टी है, सर साहब के बयान आते हैं, तो ऐसे लोगों को आज के दिन आप क्या संदेश देंगे? मैं पहले भी कहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो खुद एक जातिवादी सियासी पार्टी है, सेकुलरिज्म के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। हमेशा ही आप देख सकते हैं कि आप जो परचम कुशाई का जो प्रोग्राम हुआ है, उसके बाद जो कौमी एकता रैली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ग्रामीण युवा जिला सदर के नेतृत्व में जो रैली निकली है, तो उसमें सभी समाज के और सभी धर्म के लोग थे, और उनको मुझे आप लोगों के ज़रिए मैं उनको कहना चाहूँगा, आप बंद करो ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना। आप अपने गिरेबान में झाँक कर देखो कि आप क्या है। आप हम पे उंगली उठाने से पहले आप अपने गिरेबान में देखिए, झाँक के कि आप क्या है।